नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं विदेशी न्यूज। अमेरिका के टेक्सास से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां मंगलवार सुबह एक प्राथमिक विद्यालय में 18 साल के युवक की ताबड़तोड़ गोलीबारी कर 21 लोगों की जान ली। मृतकों में 19 बच्चे व 2 शिक्षक थे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया। स्कूल में फायरिंग के पूर्व उसने अपनी दादी को गोली मारी थी, वो गंभीर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए 4 दिन के शोक का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। आपको बता दें कि टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट के अनुसार गोलीबारी रॉ प्राथमिक विद्यालय में हुई। एबॉट ने कहा कि ये घटना 2012 में हुई सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय से भी ज्यादा गंभीर है और घातक है। हमलावर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास के पढ़ने वाले बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया। 2012 में भी सैंडी हुक प्राथमिक विद्यालय में 20 बच्चों को इसी तरह से मौत की घाट पर उतारा गया था। आपको बता दें कि हमलावर ने पहले अपनी दादी को निशाना बनाया, उसके बाद वो स्कूल में पहुंचा। अमेरिकी स्कूल में गोलीबारी की ताजा घटना टेक्सास के एक छोटे से शहर वाल्डे में हुई है। यहां की आबादी 20,000 से भी कम है। गवर्नर एबॉट के अनुसार हमलावर का नाम सल्वाडोर रोमास है, इसी इलाके का रहने वाला है। CNN के सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि हमलावर बंदूकधारी ने सबसे पहले अपनी दादी को निशाना बनाया, इसके बाद उसने 19 बच्चों को मौत की घाट उतार दिया। एक्सपर्ट्स इसी तरह के अंधाधुन गोलीबारी के पीछे हिंसक वीडियो गेम को भी जिम्मेदार मानते हैं। कई रिसर्च इसे साबित कर चुकी है। एक रिसर्च में दावा किया गया कि जिन बच्चों ने गन वायलेंस वाले वीडियो गेम को खेला या खेल चुके हैं, उनमें से 60% बच्चे तुरंत गन चलाना चाहते हैं। आज की हमारी खबर में बस इतना ही।